बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि बाबाए कौम महात्मा गांधी जी के कातिल को महान आदमी नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे दहशतगर्द कहना पड़ेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से कमल हसन के बयान के बारे में सवाल का जवाब देते हुए ये बात बताई। सदर मजलिस ने कहा है कि जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया उसे महात्मा बोलेंगे या राक्षस बोलेंगे। महात्मा गांधी पर जिसने गोली चलाई वो एक साजिश का हिस्सा थी। कपूर कमीशन ने इस रोल की निशानदेही की, वो इस पर इस कातिल को महान आदमी या नीच बोलेंगे, उसे तो दहशतगर्द बोलना पड़ेगा। कमल हासन की जानिब से मुसलमानों की खुशामद के बयान पर तबसरा करने से बैरिस्टर ओवैसी ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि जिसने गांधी जी के सीने पर गोलियां मारी और जिनको सजा हुई, कपूर कमीशन ने इस साजिश को साबित किया, उन्हें दहशतगर्द नहीं तो और क्या कहा जाएगा। आजादी के इतने अरसे के बाद गांधी जी के कत्ल की बात याद करने के सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि क्या हिंदुस्तानी बाबाए कौम के कत्ल को भूल जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि इस बारे में सवाल करने वालों के दिलों में गांधी जी की मोहब्बत नहीं है। जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया उन पर लाल किले में मुकदमा चला, उन्हें सजा हुई, वो तमाम दहशतगर्द हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कातिलों को महात्मा नहीं कह सकते, गोलियां मारने वालों को दहशतगर्द नहीं तो क्या कहा जाएगा। INS विराट बहरी जहाज पर राजीव गांधी की सैर से मुतल्लिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि INS विराट पर वो कनाडा का शहरी भी गया था जिसने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया, जिस इंटरव्यू में उसने पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं। वो कनाडा का शहरी अदाकार इस जहाज की सैर करता है तो इस बारे में कोई इजहार ख्याल नहीं करता। ममता बनर्जी के खिलाफ बयान पर गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान केरला और दीगर मुकामात पर किसी ने मोदी के खिलाफ फेसबुक पर इजहार ख्याल किया तो उसे जेल रवाना कर दिया गया। बाल ठाकरे के मरने के बाद किसी ने कुछ फेसबुक पर तहरीर किया तो उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए एक कानून बनना चाहिए। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से माफी मांगने के लिए कहा तो इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। कश्मीर और अलवर के वाकयात के बारे में सवाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अलवर में मोदी को बादल नजर आते हैं लेकिन उन्हें हापुर रडार और गुजरात में बटवा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक दलित शादी की बारात में घोड़े पर सवार होता है तो उसे मारा पीटा जाता है, एक दुल्हा मंदिर में जाता है तो उससे मारपीट की जाती है। दरअसल नरेंद्र मोदी को अपने मतलब की बात की जगह रडार नजर आता है, जहां सियासी कमजोरी नजर आती है वहां बादल नजर आता है और जहां उन्हें आईना नजर आता है वहां बटवा दिखाई देता है। मोदी को चाहिए कि वो रडार बादल बटवा की सियासत को छोड़े, उन्हें हापुर के वाक़े के बारे में इजहार ख्याल करना चाहिए। इस मसले पर उन्हीं का चीफ मिनिस्टर जो ये कहता था कि मैं बजरंग बली का नाम लूंगा किसी और का नाम नहीं लूंगा, तो वो इस मुतासरा लड़की से मिलने क्यों नहीं गया। नरेंद्र मोदी को सियासत छोड़कर हापुर की मुतासरा लड़की से मुलाकात करनी चाहिए। फेडरल फ्रंट के बारे में सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ है, सियासी रडार निशाने पर है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जो शुरुआत की है वो अच्छी है, ये शुरुआत उन लोगों के लिए जवाब है जो KCR के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर विजयन और तमिलनाडु के कायद स्टालिन से मुलाकात की। KCR की कोशिशें काबिल मुबारकबाद हैं, उनकी कोशिशें उनके सियासी शऊर और दूरअंदेशी को जाहिर नहीं करती। कल तक लोग फेडरल फ्रंट को नहीं समझ रहे थे,
अब जान रहे हैं 23 मई को जो नतीजा बरामद होगा उस वक्त जाहिर होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। फेडरल फ्रंट की कोई हकीकत नहीं है। सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को किसने शिकस्त दी। तेलंगाना में बीजेपी के 5 एमएलए हार गए, 100 हलकों में जमानत जब्त हो गई और जब पार्लियामेंट का नतीजा आएगा उम्मीद है उसमें एक भी बीजेपी कारकुन मुंतखब नहीं होगा। इस तरह की सोच गुरूर और तकबर को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि केसीआर ये कहते हैं कि वो फेडरल फ्रंट चाहते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ना हो तो उसकी सताइश करनी चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि वो अरसे दराज से ये कहते आ रहे हैं कि मरकज में बगैर इलाकाई जमातों की कोई हुकूमत नहीं बना सकता। एक बात तय है कि आइंदा हुकूमत की तश्कील में इलाकाई जमातें रोल अदा करेंगी और बीजेपी को शिकस्त होगी। अब देखिए ना, ये जो जहनियत के लोग हैं ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को किसने हराया। 5-1 एमएलए हो गए, 100 असेंबली सीट पर उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। अब पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो उसमें भी बीजेपी का एक एमपी नहीं आएगा सिकंदराबाद से, तो ये किसने किया। ये जो जहनियत है ना, ये जो सोच है, ये बड़ी एरोगेंट सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मैं एक फेडरल फ्रंट चाहता हूँ जो जिसमें बीजेपी नहीं रहेगी, जिसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन रीजनल पार्टीज़ के पास एक बहुत बड़ा नंबर होगा, और मैं अभी से नहीं पिछले कई महीनों से साल से कह रहा हूँ कि बगैर रीजनल पार्टीज़ के कोई सरकार नहीं बना पाए। सर, December 7, 2017 How do you react to it, sir? Have you think Manishankar Iyer is a open mouth every time he gets caught in conferences? Well, I cannot speak for Mr. Manishankar Iyer. But do you think calling names at the Prime Minister is justified? Well, you see, if the Prime Minister can call names, the Prime Minister has called everyone, each and everyone name. Wherever he goes, he calls names. Speed breaker, he goes to Bengal, he says something. He goes to Odisha, he says something. He goes to Tamil Nadu, he has to say something. He came to Hyderabad, again he spoke. So my request to Times Now is, please don't make the Prime Minister very holy figure. He should be open to political criticism. Yes, no one should cross the model code of conduct language barrier. And that is the case. But if anyone criticizes the Prime Minister, the skies are not going to fall. Okay, sir, hoga. 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 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा भी कि आप ममता बनर्जी से अपोलोजाइज करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, तो उनको करना चाहिए। वन थिंग इज फॉर श्योर, वेदर यू नो द रीजनल पार्टीज वुड प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन। And as things stand now, BJP is definitely losing and they're not going to form the government. So it is the regional parties who will play very well. Sir, again on the Hapur case, we have seen that how Prime Minister Narendra Modi asked Mayawati to take support back from Rajasthan government where a Dalit... That is the hypocrisy of the Prime Minister. That is the duplicity of the Prime Minister. The Prime Minister is so arrogant that he does not want to do some introspection when it comes to him. When a mirror is shown to him that these are the mistakes which your government has committed, these are the things which are happening under your rule state, the Prime Minister is not humble and modest enough and to accept the mistakes. Like here you have a girl
who has self-immolated herself, and that is a dying declaration also. I hope she lives. But she has given a statement, and when certain percentage of her body is burned, that when she says that at least now will not be raped, will I request the Honorable Prime Minister to react to it? Where is that a slogan of Beti Bachao, Beti Padhao? Why isn't the Prime Minister concerned about this woman? He's so concerned about triple talaq and Muslim women. Here a woman who has been systematically raped, and the Prime Minister should also know that one of his MLAs is in jail in Uttar Pradesh because he raped a girl. So the Prime Minister is very arrogant. He does not want to see his own mistakes, and that will be his downfall. One small point here. The girl self-humiliated after visiting the police station. Yes, she has given a statement that she has made a lot of rounds to all the police stations. She has given a lot of complaints, and she took this extreme unfortunate step because the Uttar Pradesh police, headed by Mr. Yogi Adityanath, did not come to her rescue, and that is why unfortunately she took this extreme step, which clearly shows that this slogan of Beti Bachao, you remember during time of election, this Yogi used to say that we'll have this anti-Romeo squad, whereas all gone. So TRS has been maintaining that it wants a non-Congress, non-BJP front. But do you think to beat the BJP, finally the Congress front, they will also have to align with the Congress federal front that is being planned? Well, you see, I don't want to say anything, but certain channels and their anchors have already decided that Narendra Modi is going to become the Prime Minister, and they have also decided that they have given him the oath also, so there is no need. So, I would request those anchors, those TV channels to please, on 23rd, we will definitely want to see your faces when the results are going to come out. As of now, I cannot criticize Modi, because if I criticize Mr. Narendra Modi, who is now, he should remove his chowkidar and call himself Air Vice Marshal, because he has now decided when to bomb, not to bomb, how clouds are, how rain is, and I have my sympathies are with all the Air Force technical staff and their pilots, that they have to stand up to this beautiful expertise of the Prime Minister, who these are the technical people who have spent hours and hours and years, but you have a Prime Minister who tells them, badal hai, chale jai. Kya baat? So you said BJP is going to lose and they are not going to form. What would be the number you are expecting that BJP? No, I am not a psychologist, neither I am an astrologer. We'll wait till 23rd of May. But what I know is that the desperation is there to see on the faces of the BJP and Prime Minister and the BJP leaders, and the results are not going to come on their expected lines. They had wrongly assumed that the losses in UP would be compensated in Bengal and Odisha, which is not going to happen. Everywhere in India they are going to lose seats. देखिए पहले शादी होने दीजिए. शादी होने के बाद आप बोल सकते हैं कि बच्चा होगा या बेटी पैदा होगी. जब होंगी पैदा तो उसका नाम रखेंगे. अभी से आप बोलेंगे कि नाम रख दो, बोलते मैं नाम रखेंगे रख सकता. अब 23 के बाद ही मालूम होगा कौन दूल्हा बनेगा.